युवा करियर निर्माण योजना 2015 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा के कोचिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन जो है मंगाया गया है, तो सबको फ्री में कोचिंग कराया जाएगा। यह नवा रायपुर दंग 24/8/2021 को जारी किया गया नोटिफिकेशन है, जिस पर युवा करियर निर्माण योजना 2015 में तैयार किया गया था उसके अंतर्गत संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी है। तो राज्य में स्थित निजी कोचिंग संस्थान के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को जो है प्रशिक्षण दिया जाना है। यहाँ पर दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन यानी कि आवेदन पत्र जमा करने की तिथि है 13/9/2021 तक शाम 4 बजे तक, और आवेदन जमा करने की स्थान जमा करने का स्थान रहेगा जिला के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में जमा कर सकते हैं। और यह आवेदन दोस्तों आवेदन पत्र विज्ञापन से संपूर्ण जानकारी वेबसाइट www.tribal.cg.go.in के माध्यम से आप अवलोकन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप सीधे जो है डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर पात्र अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र परीक्षा परिणाम आदि सूचना वेबसाइट से आप जो है प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो नोटिफिकेशन जारी किया गया कि यहाँ प्रशिक्षण का अवधि रहेगा, कोचिंग की अवधि अधिकतम 1 वर्ष, CGPSC वर्ष 2022 के साक्षात्कार होने तक होगी, जो अधिक अवधि तक चले कोचिंग अवधि घटाए या बढ़ाए भी जा सकते हैं। कोचिंग का स्थान रहेगा चयनित संस्था और कोचिंग का कार्य जिला मुख्यालय में संपन्न कराया जाएगा। योजना है तो निर्धारित सीट जो है 100 है, जिसमें ST के लिए 50%, SC के लिए 30, OBC के लिए प्रत्येक वर्ग में 33% महिला जो है आरक्षित रहेगा। यहाँ पर दोस्तों निवास का पात्रता रहेगा छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदक अनुसूचित जाति जनजाति में पिछड़ा वर्ग से हो तथा स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो, और आवेदक राज्य सरकार आवेदक जो है भारत सरकार द्वारा राज्य के निर्धारित घोषित अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति इन के लिए तो क्षेत्र शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित होना अथवा नहीं यह सिद्ध करने के दायित्व तो आवेदक का होगा। यदि इस संबंध आवेदक द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत करता है तो उसका योजना के लाभ सदैव के लिए वंचित कर दिया जाएगा। इस प्रकार आयु रहेगा 1/1/2021 को 20 वर्ष से 30 वर्ष मध्य शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से स्नातक की डिग्री में 50% के साथ उत्तीर्ण। इसी प्रकार आय की बात करें तो आय समस्त स्रोतों से आवेदक के अभिभावक पालक की वार्षिक आय जो है 3 लाख तक होगी। इसके संबंध लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी सक्षम अधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य रहेगा। स्व घोषणा पर प्रमाण पत्र 10 रुपये नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत जो है किया जाना हो। कोचिंग संस्थान की क्षतिपूर्ति यहाँ पर दोस्तों कोचिंग संस्थान का 80% की राशि दोस्तों विभाग द्वारा दिया जाएगा, 20% की राशि अभ्यर्थियों को वहन करना होगा। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पूर्व वर्ष में प्रोत्साहन राशि विद्यार्थी यदि कोचिंग योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रोत्साहन राशि को वापस करना होगा। इसका प्रकार जो एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम 3 घंटे होगा, 100 न्यूनतम, 100 अधिकतम, 150 प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। आवेदन आपको आवेदन जमा करना होगा यहाँ पर सहायक आयुक्त आदिवासी कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। इस प्रकार वर्ष 19-20 में योजना के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी जो 21-22 में कोचिंग लेना चाहते हैं वह अभी दोस्तों आवेदन कर सकते हैं, किंतु चयन वर्ष 21-22 के फ्रैक्शन परीक्षा के मेरिट के अनुसार ही होगा। इस प्रकार दोस्तों संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से चयनित संस्था द्वारा शासन के निर्देश अनुसार ही होगा। इसके पश्चात 13वें नंबर आवेदन पत्र जो है भरा जाना है। आवेदन का कर्तव्य है कि आवेदन पत्र में चाही गई समस्त सही जानकारी दें, स्वयं के द्वारा सत्यापित कर आवेदन को प्रस्तुत करें। अपूर्ण आवेदन दस्तावेज पाए जाने पर निरस्त किया जाएगा। विस्तृत जानकारी यहाँ पर दोस्तों tribal.cg.go.in के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यह दोस्तों आवेदन पत्र इसको आपको फिल करना है। यहाँ पर दोस्तों आप जिस भी जिले से हैं तो वहाँ पर जिले का नाम, फिर आवेदन पत्र यहाँ तो कार्यालय उपयोग के लिए आपका नाम लिख रहे हैं हिंदी अंग्रेजी पिताजी का नाम, फिर यहाँ पर दोस्तों महिला पिन कोड छत्तीसगढ़ मूल निवासी यहाँ या नहीं। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आप सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र को संलग्न करना है, आपका आयु, इस प्रकार दोस्तों शासकीय अर्थ सेवा में है तो यहाँ इस पद पर कार्यरत है, इस प्रकार इस सभी जानकारी को फिल करके आपको दोस्तों जमा कर देना है आपके जिला कार्यालय में। इस प्रकार से दोस्तों जो स्थान दिया गया है वहाँ पर आपको जमा करना है। तो इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।